अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल हम सब लोगों के लिए खुशियाँ लेकर और हमें हर बुराई और हर बुरी चीज़ से अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। विंटर सीजन हो और फिश ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं क्रिस्पी फ्राइड फिश। आइए चलें रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 6 फिश फिले ले लिए हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब मैं इसे स्ट्रिप साइज में काट लूँगी, फिर हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। फिश को मैं इस तरह स्ट्रिप साइज़ में कट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिश को मैंने स्ट्रिप साइज़ में कट कर लिया है। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। हाफ टी स्पून टर्मरिक, रेड क्रश चिली, 2 टेबल स्पून चिली पेस्ट। मैं सराचा यूज़ कर रही हूँ, आप घर में भी बना सकते हैं रेड चिली का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून या 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, 1/3 white pepper, 2 teaspoons salt to taste, सोया सॉस में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा एहतियात से, 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट, गार्लिक से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा लेमन, 1/3 teaspoon से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसकी कोटिंग करके फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैदा लिया है, एग लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स में मैंने ब्लैक पेपर और रेड क्रश चिली, मैदे में हम लोग रेड चिली और सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इसमें मैं हमारे ही ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे, डीप फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है, अब हम इसमें फिश ऐड करेंगे। पहले हम इसे मैदे में कोटिंग करेंगे। फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में।
इस तरह से सारे फिश फ्राई कर लेंगे।